डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है पूनम और नेहा की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कानावनी गांव में अस्मी फाउंडेशन कई सालों से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। चंद साल पहले पूनम गृहिणी थी। हमेशा से उनके मन में कुछ करने की ललक थी। वे चाहती थी कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बने। गाजियाबाद के कानावनी स्थित अस्मी कौशल केंद्र से जुड़ने के बाद पूनम की जिंदगी संवरती चली गई। तकरीबन 5 साल पहले पूनम ने कौशल केंद्र को ज्वाइन किया और निःशुल्क सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग ली। उसके बाद धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया। शुरुआत के महीने में 1500 का ही काम मिलता था, किसी किसी महीने में तो ना के बराबर ही काम मिलता था, लेकिन पूनम ने हिम्मत नहीं हारी और लगन के साथ अपने काम में लगी रही। फिलहाल पूनम रोजाना 1 घंटे ट्रेनिंग सेंटर में कढ़ाई और सिलाई की ट्रेनिंग देती हैं, जिसके लिए उन्हें 3000 रुपये सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें हर रोज़ करीब 500 रुपये का सिलाई का काम भी मिल जाता है। आज से 5 साल पहले मैंने यहाँ पे सिलाई सीखी है, किसी के थ्रू। किसी ने बताया कि यहाँ पे सेंटर है, तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पे सिलाई सीखी और उसके बाद सिलाई का कोर्स पूरा करके मैंने घर पे भी सिलाई स्टार्ट करी। पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद घर पे सिलाई स्टार्ट करी, उससे अर्निंग भी करी। फिर धीरे धीरे मैम को लगा कि यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, पूछा मैम ने, तो फिर मैंने यहाँ पे सिखाना भी स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट मिलनी वो चीज़, और जो चीज़ें मैं पहले नहीं करती थी वो अब करने लगी। दो मतलब अपने अपने हाथ में भी अपने पैसे रहते हैं, वो अच्छी फीलिंग आती है। जैसे कि सिलाई है, बट बाहर जाने से क्या, हम बच्चों की केयर नहीं कर पाते, और सिलाई सीख के हम वो घर पे भी अर्निंग कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी केयर कर सकते हैं और घर पे भी वो सारे काम कर सकते हैं हम। और बाहर जाने से पहली बात तो बच्चों की देखभाल नहीं होती है, और सिलाई करने से हम यहाँ पे घर पे भी अर्निंग कर सकते हैं। नेहा बानो की कहानी भी काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने कढ़ाई का काम सीखकर खुद का इलाके में बुटीक शुरू कर लिया है। इलाके की महिलाएं सिलाई और कढ़ाई के लिए अब उनके पास काम लेकर आती हैं। हालांकि नेहा का अभी शुरुआती दौर है, तो ऐसे में कमाई कम है, लेकिन नेहा को उम्मीद है कि आने वाले समय में वह और बेहतर कर सकती हैं। जहां एक तरफ नेहा खुद का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुटीक में इलाके की करीब 10 लड़कियों को कढ़ाई और सिलाई की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। यहां से मैं 2022 से जुड़ी हूं। अच्छा, क्या सीखा आपने यहां पे? यहां सब चीज़ सीखा सर। क्या क्या? जैसे पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, सलवार, सारी चीज़ें, प्लाजो, ये सब चीज़ सीखी यहाँ से। अच्छा, कितना वक्त लगा सीखने में? यहाँ सीखने में 6 महीने लगे। अच्छा, सीखने के बाद क्या जिंदगी में आपको फर्क आया? बहुत फर्क आया। पहले यहाँ सीखते थे, नहीं आता था सर। अब यहाँ सीखने के बाद वहाँ लड़कियों को मैं 10 लड़कियों की सिखा रही हूँ अब, और सिलाई भी कर रही हूँ। अस्मी फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर भारती गर्ग बताती हैं कि उनकी संस्था ने अब तक 200 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। हमारी संस्था का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ईटीवी भारत के लिए गाजियाबाद से शहजाद आबिद की रिपोर्ट।